हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सरोज कुमारी। हम लोग क्लास ट्वेल्थ की बायो स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास इलेवेंथ की बायो के बाद हमारा एक लॉन्ग गैप हो गया ड्यू टू समथिंग पर्सनल प्रॉब्लम। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ की बायो कंटिन्यू करने वाले हैं। दैट्स मीन हम लोग आज से क्लास ट्वेल्थ की बायो स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने इलेवेंथ की बायो कम्प्लीट कर ली है और इलेवेंथ की बायो के साथ ही हमारे उसके जितने एमसीक्यूज वगैरह थे वो सारे हमने शॉर्ट्स में भी कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का बायो का चैप्टर वन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हम आज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं और इसके धीरे धीरे एक एक पार्ट्स में इसके सारे चैप्टर, सारे इसके सब पॉइंट्स हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने के पहले हम लोग समझेंगे कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम इस वर्ड रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन जो है हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, री एंड प्रोडक्शन। री मींस होता है अगेन एंड प्रोडक्शन मींस होता है टू प्रोड्यूस, जेनरेट। ओके, टू प्रोड्यूस, जेनरेट या फिर टू मेक, कुछ नया बनना। और कैसे? अगेन, यानी कि कोई भी चीज जो फिर से एक नए ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में जन्म लेती है उसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन में इन करने के पहले हम लोग देखेंगे लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन मतलब होता है कि हमारा जीवन काल, कि हमारा जीवन काल कितने दिन का होता है, एवरेज टाइमिंग क्या होती है, या परफेक्ट डेज इयर्स क्या होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक क्रो की, पहले हम लोग लाइफ स्पैन की डेफिनेशन देखते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो टाइम पीरियड जो उसने इस धरती पे बिताया है अपने जन्म से लेकर अपने नेचुरल डेथ तक। किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो टाइम पीरियड जो उसने इस अर्थ पे स्पेंड किया है, बिताया है, कब से? अपने जीवन से, अपने बर्थ से लेकर अपने डेथ तक, बर्थ टू डेथ, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन जो होता है वो हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। किसी का एक दिन, किसी का एक साल, किसी का 10 साल, किसी के 50 साल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अगर एनिमल्स की बात करें या फिर प्लांट्स की बात करें या बर्ड्स की बात करें, तो एक चीज मायने रखती है कि लाइफ स्पैन जो है वो ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता। नॉट डिपेंड ऑन साइज। साइज पे जो है वो डिपेंड नहीं करता है। क्या चीज? उसका लाइफ स्पैन। जैसे कि अगर हम लोग साइज की बात करें तो एक कौवे की साइज और एक तोते की साइज, क्रो एंड पैरट, देखने में दोनों लगभग सेम साइज के होते हैं, लेकिन उनके लाइफ स्पैन की जब बात आती है, जैसे कि क्रो एंड पैरट, साइज क्या है, सॉरी पैरन हो गया, पैरट, अगर दोनों की साइज देखी जाए तो लगभग एक सी होती है, बराबर होती है ना, मतलब लगभग अप्रोक्स। तो लेकिन जब इनकी टाइमिंग की बात होती है तो एक कौवे का जो जीवन होता है वो 15 ईयर्स का होता है और एक पैरट का जो जीवन होता है वो 140 ईयर्स का होता है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो उनके साइज पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि आम का पेड़ या पीपल का पेड़, दोनों की जब आप साइज देखिएगा तो लगभग मिलते जुलते होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों के जीवन काल में क्या होता है, काफी डिफरेंस होता है। दोनों की जो ईयर्स होते हैं
वो काफी डिफरेंस होते हैं। जैसे कि बात करते हैं एक मे फ्लाई होती है, मे फ्लाई नाम है एक फ्लाई का, इसका जीवन जो होता है एक दिन का होता है। ये उसी एक दिन में जन्म लेती है, उसी एक दिन में अपना जीवन जी लेती है और उसी एक दिन में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऑर्गेनिज्म का जो हम बात कर रहे हैं लाइफ स्पैन का, वो उनके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। साइज डिफरेंट डिफरेंट वेरी कर सकती है, जैसे कि एक हाथी का साइज और एक क्रोकोडाइल का साइज दोनों डिफरेंट है, लेकिन दोनों के इयर्स में क्या है, काफी डिफरेंस है। जैसा कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, एक टेबल फिगर 1.1 अप्रोक्स, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि हाथी का जो साइज वो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग होता है 60 से 75 साल का। एलिफेंट जो होता है वो 60 से 75 साल की इसका जीवन यापन होता है लगभग। लेकिन जब एक गाय की बात करते हैं तो उसका जीवन यापन कम से कम 20 से 25 साल, काऊ जो होती है वो 20 से 25 साल ही जीवित रहती है। तो कहने का क्या मतलब है कि साइज जो है भले इक्वल है, अप्रोक्स है, लेकिन उनकी लाइफ स्पैन इक्वल नहीं होगी। लाइफ स्पैन हमेशा वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग, कि वो कितने दिन इस अर्थ पे जीवित रह रहे हैं। अब ये लाइफ स्पैन जो है ये ऑर्गेनिज्म की जैसे कि अलग अलग होती है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं, उनका डेथ नहीं होता है। लेकिन लाइफ स्पैन में क्या है कि वो टाइम पीरियड जो हमने अपने बर्थ से अपने डेथ तक इस धरती पे बिताया वो हमारा लाइफ स्पैन है। लेकिन क्या मृत्यु होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है, मृत्यु एक अटल सत्य है जो सबकी होती है। लेकिन कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी डेथ नहीं होती है, लाइक अमीबा की डेथ होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये फिगर बनाते हैं हम अमीबा का, ठीक है, एक अमीबा, ये एक अमीबा का फिगर है। ये अमीबा जो है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इस अमीबा ने डिवाइड किया, पहले अपने न्यूक्लियस को, अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, धीरे धीरे उसके साइटोप्लाज्म डिवाइड हुए और इसके बाद क्या हो गए, दो डॉटर अमीबा फॉर्म्ड हो गए, दो डॉटर अमीबा बन गए। तो क्या हुआ कि ये जो पेरेंट अमीबा था इसने अपने न्यूक्लियस को रेप्लिकेट किया, एक से दो बनाया, देन अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया और आधे आधे हिस्सों में बांट दिया और उसके बाद दो न्यू डॉटर सेल बन गए, टू न्यू डॉटर सेल, दो नए डॉटर सेल बन गए। अब बताइए कि जब एक ये अमीबा था उसके पास एक न्यूक्लियस था, एक साइटोप्लाज्म, उसके साइटोप्लाज्म थे और इस साइटोप्लाज्म को इसने डिवाइड कर दिया, ये न्यूक्लियस को इसने दो भाग में डिवाइड कर दिया और दो नए डॉटर सेल बना दिए। फिर जब ये अमीबा मैच्योर होगा देन ये अपने न्यूक्लियस को रेप्लिकेट करेगा और फिर इसे दो नए अमीबा का फॉर्मेशन प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इससे हम, आप ये बताइए कि इसमें जो पेरेंट अमीबा है उसके पास बचा क्या? नथिंग, कुछ भी नहीं। अब इसका जो न्यूक्लियस था इसने रेप्लिकेट करके दो कर दिया, जो साइटोप्लाज्म थे उसने डिवाइड करके दो भागों में बांट दिए और दो भागों में बांटने के कारण दो नए डॉटर सेल का जन्म हो गया, दो नए डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गए। तो जो पेरेंट अमीबा था उसका अस्तित्व खत्म हो गया, नथिंग टू एल्स, कुछ बचा ही नहीं। इसका अस्तित्व खत्म हो गया और इसने अपने दो बच्चों को बना दिया। तो जब वो बचा ही नहीं तो उसकी मृत्यु कैसे होगी? हमने क्या कहा कि अमीबा एक ऐसा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसकी डेथ नहीं होती है। डेथ क्यों नहीं होती है? क्योंकि
ये अपने न्यूक्लियस को, ये अपने साइटोप्लाज्म को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देता है, दो न्यूक्लियर सेल का फॉर्मेशन कर देता है, और इस पेरेंट अमीबा के पास कुछ बचता ही नहीं है कि वो अपना जीवन यापन करे और फिर उसकी मृत्यु हो। तो जब कुछ है ही नहीं तो मृत्यु होगी नहीं, इसलिए अमीबा क्या को क्या कहते हैं कि अमीबा इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लीड्स टू नेवर डेथ, कभी इसकी डेथ नहीं होती क्योंकि इसके पास नो पार्ट लेफ्ट टू डाई, कुछ बचा ही नहीं तो मृत्यु किसकी होगी, होगी ही नहीं। तो ये था हमारा अमीबा, ठीक है। तो लाइफ स्पैन आई थिंक सबको आपको समझ में आ गया होगा कि लाइफ स्पैन कैसे होती है, क्या होती है और लाइफ स्पैन इस धरती पर कैसे होती है, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी में टेबल 1.1 दिया हुआ है, ठीक है। अब उस टेबल 1.1 को हम देखेंगे और उसके जो ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं उसका डिवीजन देखेंगे, उसके लाइफ स्पैन देखेंगे वो कितने साल जीवित रहते हैं। अब स्टेसेस की बात की जाए तो स्टेसेस जो होते हैं वो चार होते हैं। एक होता है जुविनैलिटी, दूसरा होता है मैच्योरिटी, तीसरा होता है एजिंग, चौथा होता है डेथ, ठीक है। ये एजिंग और इसे सेंसेसनेस भी कहते हैं, ठीक है। ये चार जो होती है स्टेजेस होती है लाइफ स्पैन की, ठीक है। अब जुवेनिलिटी जो होती है वो स्टेज होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। जुवेनिलिटी लाइफ स्पैन का वो स्टेज होता है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है रिप्रोडक्शन के लिए। मैच्योरिटी इज दैट स्टेज वेयर द रिप्रोडक्शन बिगिंस दिस स्टेज। मैच्योरिटी क्या होती है कि ये लाइफ स्पैन का वो स्टेज होता है जहां पे रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है या रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। एजिंग क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के बाद एक स्टेज आता है कि उसकी जो एज हो जाती है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, उसके अंदर ओवम का एग का फॉर्मेशन नहीं होता है और रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर खत्म हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं एजिंग। और डेथ होती है, व्हाट इज डेथ, ऑर्गेनिज्म मर जाता है, डाई हो जाता है, जिसे हम लोग डेथ कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, लिख देती हूं। ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑर्गेनिज्म डेवलप्स the capacity to reproduce, ठीक है। मैच्योरिटी होती है रिप्रोडक्शन बिगिंस, ड्यूरिंग दिस स्टेज, ठीक है। एजिंग होती है एजिंग इज प्रोग्रेसिव डेटेरियोशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो चेंजेस जिसके कारण ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। डेथ क्या होता है, सेंसेसनेस फाइनली लीड्स टू डेथ। ये था हमारा स्टेजेस लाइफ स्पैन का, चार स्टेजेस होते हैं जैसा कि मैंने बताया आपको पहले ही,
होती है जुबिनैलिटी, जिसके अंदर जुबिनैलिटी के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप कर रहा होता है खुद को, किसके लिए? रिप्रोड्यूस करने के लिए। मैच्योरिटी में रिप्रोडक्शन बिगिंस स्टार्ट हो जाती है। एजिंग में क्या होता है कि प्रोग्रेसिव डेटरेशन होता है बॉडी के अंदर, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस खत्म हो जाती है। देन डेथ, सेंसलेसनेस फाइनली लीड्स टू दैट। और उसके बाद एक समय आता है जब एज कंप्लीट हो जाती है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो था हमारा स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन। नाउ वी गो टू द टुडेज टॉपिक रिप्रोडक्शन। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? रिप्रोडक्शन। ठीक है, और टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, इवन मे बी प्लांट्स, इवन मे बी एनिमल्स, तो वो हजारों हजारों वर्ष तक इस धरती पर जीवित रहते हैं। आखिर कैसे? एक पौधा के बाद एक और पौधा आ जाता है, एक इंसान के बाद एक और इंसान आ जाता है, एक जानवर के बाद उसकी अगली स्पीसीज आ, एक और दूसरा जानवर आ जाता है। तो आखिर ये होता कैसे है? यही होता है बेटा हमारी रिप्रोडक्शन के थ्रू। क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो और वो ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनाए, तो ये कंटिन्यूटी जो है हमारे इन्वायरमेंट की, हमारे वर्ल्ड की, हमारी अर्थ की, ये क्या हो जाएगी? फिनिश्ड हो जाएगी और हमारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी और इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे रहने वाले सभी जीव समाप्त हो जाएंगे, इवन मे बी प्लांट्स, इवन मे बी एनिमल्स, इवन मे बी ह्यूमन बींग्स। क्योंकि एक इंसान डेथ की तरफ लीड करेगा और जब उसकी डेथ होगी तो उसके बाद उसकी अगली स्पीसीज होगी, नहीं तो अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। एक ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जन्म देता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच क्या होता है उसमें? एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इट्सेल्फ। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन करते हैं, रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे, सेम अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। कैसे? सिमिलर टू इट्सेल्फ। अगर एलिफेंट का बच्चा है तो एलिफेंट जैसा होगा, डॉग का है तो डॉग जैसा होगा, ह्यूमन का है तो ह्यूमन जैसा होगा। ह्यूमन के बच्चे अगर बेबी गर्ल है तो अपनी मदर के जैसी हो जाती है, और इन सम केसेस। और प्लांट्स जो है, जैसे मैंगो ट्रीज है तो वो जामुन के ट्री को तो जन्म देगा नहीं, वो मैंगो ट्रीज ही बनाएगा। गुआवा ट्रीज है तो वो गुआवा ट्री बनाएगा, बनाना है तो बनाना बनेगा, बनियान ट्रीज है तो बनियान बनाएगा। यानी कि क्या, हर ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्शन जो है एक साइकिल की तरह चलता है। देखिए, साइकिल ऑफ बर्थ, पहले जन्म होता है। ठीक है, पहले क्या होता है बेटा? पहले जन्म होती है यंग वंस की, देन ये इनकी ग्रोथ होती है, देन इनकी ग्रोथ होती है, ये अपने ग्रोथ के वो लाइफ स्पेन के चार स्टेजेस से गुजरते हैं, जहां जुवेनिलिटी होती है, मैच्योरिटी होती है, एजिंग होती है, और देन डेथ होती है। तो इसके बाद यह क्या करते हैं? लीड्स टू डेथ, मृत्यु हो जाती है। अपने जैसे नए वंश को जन्म दिया, उस न्यू यंग्स ने ग्रो किया, ग्रो करके फिर एक न्यू यंग्स को अपने जैसे जन्म दिया, फिर उसकी डेथ हो गई। तो ये जो प्रोसेस है ये चलते रहता है, और आजीवन चलते रहता है।
जब तक कि वो उस ऑर्गेनिज्म की एजिंग ना हो जाए और दैट ऑर्गेनिज्म लीड्स टू द डेथ, वो ऑर्गेनिज्म अपने डेथ की तरफ ना चला जाए। अब रिप्रोडक्शन, पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की का पर्पस क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों होना चाहिए? तो पहली बात तो है कि रिप्रोडक्शन होना चाहिए कंटिन्यूटी टू स्पीसीज, कंटिन्यूटी टू स्पीसीज, स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा होना चाहिए पॉपुलेशन के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तीसरा जो प्रोसेस है उसमें वेरिएशन होता है, वेरिएशन, और चौथा प्रोसेस जो होता है वो होता है लाइफ, जीवन यापन करने के लिए। और वेरिएशन जो है वो दो तरह से होता है, एक तो इसमें एडेप्टेशन होती है और दूसरा इसमें इवोल्यूशन होता है। पढ़ेंगे इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें रिप्रोडक्शन ही पढ़ना ही है कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन के हमें ये रिप्रोडक्शन के कुछ फीचर्स होते हैं कि रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या क्या होता है। एक तो आरएनए का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन, कुछ बायोकेमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका सिंथेसिस होता है, सेल डिवाइड करता है, एक सेल से दो मदर सेल, दो मदर सेल से चार डॉटर सेल ऐसे बनते जाते हैं, तो सेल का भी डिविजन होता है, फिर ग्रोथ होता है सेल का, फिर क्या होता है फॉर्मेशन होता है न्यू इंडिविजुअल का। तो ये सारे जो है वो बेसिक फीचर्स है किसके, रिप्रोडक्शन के, जो कि आप लोग सब लोग जानते हैं। अब रिप्रोडक्शन जो है ये दो तरह से होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के जो होते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टू टाइप्स रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह से होता है। आपने देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बाई पेरेंटल नहीं होते, यूनिपेरेंटल होते हैं, एक ही पेरेंट्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों गुण होते हैं और वो रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बाई पेरेंटल होते हैं, मेल फीमेल का फ्यूजन होता है उनके गैमेट्स का, तभी जाके रिप्रोडक्शन होती है। तो इसके हिसाब से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे होंगे आपने जिनके अंदर बर्डिंग होती है, बर्डिंग, बर्डिंग इन द सेंस ये ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर एक छोटा सा बर्ड निकला और फिर ये बर्ड थोड़ा और बड़ा हुआ ऐसे, और फिर ये बॉडी से निकल गया, ये एक ऑर्गेनिज्म रह गया और ये बर्डिंग जो थी ये दूसरी ऑर्गेनिज्म बन गई, तो यहाँ पे एक नए ऑर्गेनिज्म का जन्म हो गया। कभी कभी ऐसे भी होता है जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा में, तो ये हम जो पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू ऑर्गेनिज्म, अगर रिप्रोडक्शन हो रही है तो उस रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है या दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके हिसाब से जो रिप्रोडक्शन होती है वो हमारी दो तरह की होती है। एक होती है बेटा एसेक्सुअल, ठीक है, और दूसरा होता है सेक्सुअल, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी नाम है एवोमोंजी, एम्फियक्सिस, सोमेटोजेनिक, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं, जर्मिनल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, जहां पे एक मेल एक फीमेल के साथ फ्यूज करता है और रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम डिटेल पढ़ेंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एसेक्सुअल के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फ्यूजन, बर्डिंग, रीजनरेशन, ठीक है, ये सारे प्रोपेगेशन, ये सारे पार्ट्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और वहां पे फिर हम लोग एक पार्ट में हम लोग एसेक्सुअल पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।